रिस्क फैक्टर इंक्लूड फीमेल एनाटॉमी, किन लोगों में ज्यादा पाया जाता है रिस्क फैक्टर फीमेल एनाटॉमी, ठीक है, जो लेडीज होती है फीमेल्स होती हैं उनके अंदर ये संभावना ज्यादा होती है किसकी, यूटीआई की, यानी कि यूरिनरी ट्रैक इंफेक्शन होने की। रीजन क्या होता है, फीमेल में जो ये वाला पार्ट होता है दिस इज यूरेथ्रा, है ना, मेल्स के अंदर यहां पर क्या पाया जाता है, पेनिस होता है ना, पेनिस होता है, तो जिसकी वजह से लगभग ये जो यूरेथ्रा का जो लेंथ हो जाती है वो लगभग 20 सेंटीमीटर के अराउंड चली जाती है, काफी लंबा हो गया। ब्लैडर से जो यूरिन अल्टीमेटली बाहर आएगी वो यूरिन का ब्लैडर से कोई लगभग 20 सेंटीमीटर की दूरी होगी। अब जो फीमेल्स होती है उसमें पेनिस तो होता नहीं है, वजाइना के ऊपर उसकी ओपनिंग होती है, तो वो जस्ट छोटा सा 3-4 सेंटीमीटर होता है, ये यूरेथ्रा जो होता है फीमेल्स के अंदर 3-4 सेंटीमीटर ही रह जाता है। तो होता क्या, अगर उसका यूरेथ्रा के पॉइंट पर कोई इंफेक्शन होता है तो बहुत जल्दी वो ब्लैडर तक पहुंच सकता है, इसीलिए फीमेल्स को हाइजीन साफ सफाई की थोड़ी ज्यादा जरूरत रहती है। क्लियर है, इसीलिए लिखा हुआ है यहाँ पर रिस्क फैक्टर इंक्लूड फीमेल एनाटॉमी, उनकी जो एनाटॉमी बनावट ही ऐसी है कि वहां दिक्कत थोड़ी ज्यादा होती है। सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये कई बार सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान भी, यानी कि ड्यूरिंग सेक्स भी ये फैल सकता है। डायबिटीज, अगर डायबिटीज है उनमें हो सकता है। ओबेसिटी, मोटापा एंड फैमिली हिस्ट्री, किसी फैमिली हिस्ट्री है उस केस में भी ये हमको देखने को मिल सकते हैं। कौन, यूटीआई। ये इंफेक्शन की बात हुई अभी, इस इंफेक्शन को जो रोकेंगे वो एंटी इंफेक्टिव हो जाएंगे यूटीआई के। क्लियर है, तो क्लासिफिकेशन इसमें कोई बहुत बड़ा तो नहीं है, बट इसका क्लासिफिकेशन अगर हम कर दें केमिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से, ठीक है, तो उसमें एक आते हैं किनोलोन डेरिवेटिव, जिनके डेरिवेटिव जिनके अंदर किनोलोन पाए जाते हैं, नाइट्रोफिरोन डेरिवेटिव जिनके अंदर नाइट्रोफिरोन पाए जाते हैं, ठीक है, मीथेन अमीन डेरिवेटिव जिनके अंदर मीथेन अमीन पाए जाएंगे, और यूरिनरी एनाल्जेसिक जिसके अंदर जो कि क्या होते हैं, पेन किलर होते हैं। क्या होते हैं ये, पेन किलर होते हैं। क्या आगे उसके एग्जाम्पल दे रखे हैं, नॉफ्लोक्सासिन अपने कोर्स में है, ठीक है, नेलिडिक्सिक एसिड है, फिर सिप्रोफ्लोक्सासिन है, ठीक है, ये सारे इसके क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे। क्लियर है, अब फटाफट देखते हैं, ज्यादा ड्रग्स नहीं है इसके अंदर, चार ड्रग्स पढ़नी है हमको। पहला आ गया नॉरफ्लोक्सासिन, ठीक है, नॉरफ्लोक्सासिन सोल्ड अंडर द ब्रांड नेम नॉरोक्सिन, जो कॉमन ब्रांड है इसका वो कौन सा है, नॉरोक्सिन है, इट इज एन एंटीबायोटिक, ये एंटीबायोटिक है ना, एंटीबायोटिक पता ना क्या का है, क्या करते हैं ये, जो माइक्रोबियम को किल करते हैं, बैक्टीरिया को मारते हैं, दैट बिलोंग टू द क्लास ऑफ फ्लोरोक्विनोलोन, जिनके अंदर फ्लोरोक्विनोलोन का स्ट्रक्चर पाया जाता है वो है ये। नॉरफ्लोक्सासिन इज अ सिंथेटिक, सिंथेटिक है, आर्टिफिशियल है, मैनमेड है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, कई तरह के बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, दो टाइप के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, उनकी बहुत बड़ी सीरीज होती है, दोनों पर असर करेगा ये। इट इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ डीएनए गायरेज, ठीक है, देयर बाय ब्लॉकिंग द बैक्टीरियल डीएनए रेप्लिकेशन। एक्चुअली होता क्या है, डीएनए गायरेज एक एंजाइम होता है जो डीएनए के रेप्लिकेशन में, डीएनए को दुगना होने में हेल्प करेगा। डीएनए दुगना कब होता है, जब सेल डिवाइड करेगा, अगर ये डीएनए गायरस मर जाए तो डीएनए रेप्लिकेट नहीं हो पाएगा, डीएनए रेप्लिकेट नहीं होगा तो जब ये बैक्टीरिया डिवाइड करेगा तो डीएनए है ही नहीं दूसरे में जाने के लिए, उसकी डेथ हो जाएगी। क्लियर है, इट इज यूज टू ट्रीट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, गायनेकोलॉजिकल इन्फेक्शन, गायनेकोलॉजिकल मतलब गायनी मतलब सबसे ज्यादा फीमेल का जो बच्चे प्रेगनेंसी से रिलेटेड चीजें रहती हैं, ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड भी जो वो रहता है हमारे पास जहां पर यूरेथ्रा का जहां से जस्ट स्टार्टिंग हो रही होती है अंदर की तरफ, वहां पे पाई जाती है मेल्स के अंदर। गोनेरिया एंड ब्लैडर इन्फेक्शन, गोनेरिया भी एक डिजीज है जो कि यूटीआई की होती है, एंड ब्लैडर इन्फेक्शन, ठीक है ना, ब्लैडर में कोई इन्फेक्शन है तो उसमें भी इसका यूज होता है। आई ड्रॉप्स वर अप्रूव्ड फॉर यूज इन चिल्ड्रन, इसके आई ड्रॉप्स भी हैं जो कि बच्चों के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है, देखो है यूटीआई लेकिन आई ड्रॉप में भी काम में आता है, यानी कि कुछ कहीं ना कहीं आंखों के इन्फेक्शन में भी ये यूज में आ जाते हैं, ठीक है। बात करते हैं केमिकल नेम और स्ट्रक्चर की, कोर्स में तो नहीं है बट आओ देख लें, ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हमको साफ साफ दिख गया है ये क्या है, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्लियर है, अब यहां पर हमारे पास क्या है, ये आ गया 1, 2 and 3, ये है क्या 7, तो ये आ गया मेरे पास 1, 2, 3, 4, ओके, कहां गया ये आ गया 1, 2, 3, 4,
ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये थ्री पे क्या लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ठीक है। और वन पे क्या लगा हुआ है, इथाइल सी, और सी ये क्या हो गया, इथाइल हो गया। फिर आगे आते हैं फोर हो गया, देन फाइव सिक्स, सिक्स पे क्या लगा हुआ, फ्लोरो, ठीक है। फोर पे क्या लगा हुआ, ऑक्सो। तो ये अल्फाबेटिकल चल रहे हैं, ई एफ जी एच आई, जो अल्फाबेटिकल चल रहे हैं, इसीलिए किसी को आगे लिख रहे हैं किसी को पीछे लिख रहे हैं, सब सीख जाओगे, टेंशन नहीं। और सेवन पे क्या आ गया, पिप्राजिन, जो कि वन से जुड़ा हुआ, तो पिप्राजिन वन आई, ठीक है ना। ये मेरे पास क्या आ गया इधर, क्विनोलिन, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या हो गया, ये क्विनोलिन आ गया मेरे पास यहाँ पर, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है, बात समझ में आ गया, ठीक है। तो आगे आते हैं हम लोग यूज की बात करें, यूज टू ट्रीट वैरायटी ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन यूटीआई। तो इसके सबका आंसर क्या रहने वाला है, यूटीआई यूटीआई यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल है। स्टेबिलिटी स्टोरेज सेम, कैप्ड एट रूम टेम्परेचर 50 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, कैप्ड इन अ टाइटली क्लोज कंटेनर। फॉर्मेशन की बात करें तो टैबलेट और सस्पेंशन दोनों के रूप में अवेलेबल है। ब्रांड नेम नॉरफ्लॉक्स, नॉरमैक्स, नेगाफ्लॉक्स और टैमफ्लॉक्स के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। आगे आते हैं हम लोग सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ठीक है। क्या कर रहा है, सेकंड जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन, ये भी क्या है, फ्लोरोक्विनोलोन सी है, एंटीबायोटिक ही है, ठीक है। देखो जैसे तीन तीन लाइन की बातें होती है तो तुम लोग और छोटा कर सकते हो कि इट इज अ फ्लोरोक्विनोलोन डेरिवेटिव, एंटीबायोटिक, इट इज अ एंटीबायोटिक, ठीक है ना। यूज टू ट्रीट द थेरेपी ऑफ माइल्ड टू मॉडरेट, हल्का से थोड़ा सा और ज्यादा इन्फेक्शन होगा यूटीआई तो वहां इस्तेमाल होगा। इवन रेस्पिरेटरी ट्रैक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, हमारा रेस्पिरेशन में जो हमारा वेंट पाइप होता है, अगर वहां पे कोई इन्फेक्शन आ गया तो उसमें भी हम इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर है। इट कैन बी टेकन बाय माउथ एज आई ड्रॉप, एज ईयर ड्रॉप, आंखों में, कानों में, हर जगह इसका इस्तेमाल होता है। स्टार नहीं है तो इसका केमिकल नेम स्ट्रक्चर अपने कोर्स में नहीं है, बट हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा चीजों को समझने में आसानी मिलेगी हम लोगों को। आओ देखिए इसको, तो क्या कह रहा है ये, अगेन यहाँ पर क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, देखो सब कुछ वही है, पुराना वाला ही है, केवल वन पे इस बार क्या है, साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल, ठीक है ना। तो वन पे इस बार क्या है, साइक्लोप्रोपाइल, छह पे फ्लोरो, बाद आगे पूरा नाम वही है जो पहले था, इसमें कोई चेंज नहीं है। क्लियर है, आगे आते हैं, कर लोगे है ना, थोड़ा सा वीडियो को पीछे करोगे तो दिख जाएगा। ये मैं इसलिए छोड़ दिया ताकि थोड़ा सा तुम लोग खुद भी करो। ओके, यूज, यूज की बात करें तो भैया बहुत सारे काम में आता है ये, ट्रीट नंबर ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन सच है, ठीक है। तो ये तो देना ही देना है यूटीआई, ठीक है। उसके अलावा ये क्योंकि एंटीबायोटिक है तो कई सारे इन्फेक्शन जैसे कि डायरिया, टाइफाइड, ठीक है ना, बोन एंड ज्वाइंट इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और स्किन इन्फेक्शन, कई तरह के इन्फेक्शन में काम आ सकता है क्योंकि ये एंटीबायोटिक है। स्टेबिलिटी स्टोरेज सेम है, फॉर्मुलेशन टैबलेट, सस्पेंशन आई ऑइंटमेंट, आई ड्रॉप और आई ऑइंटमेंट के रूप में अवेलेबल है ये। देन ब्रांड नेम की बात करें तो जॉक्सन, एलसिप्रो, सिप्रान, सिप्लोक्स और सिप्लोक्स क्रीम और जॉक्सन ऑइंटमेंट के रूप में अवेलेबल है। क्लियर है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्या हमारे पास। ऑफ्लॉक्सासिन बहुत ही बेसिक सा एंटीबायोटिक है, सबसे पहले डॉक्टर इसको प्रेफर करता है जब किसी भी टाइप का बॉडी में इन्फेक्शन हो या फीवर वगैरह आ जाए तो ऑफ्लॉक्सासिन दी जाती है, चेक करना आपकी बार कि आपके डॉक्टर आपको क्या दे रहे हैं, ठीक है। ओके, ऑफ्लॉक्सासिन इज अ क्विनोलोन, अगेन क्विनोलोन एंटीबायोटिक है, यूजफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, यूजफुल है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, किसके ट्रीटमेंट के लिए, नंबर ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कई सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यूटीआई अपने आप में एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इकोलाई है ना, तो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को रोकने वाले एंटीबायोटिक ही हम लोग इस्तेमाल करेंगे। न्यूमोनिया, सेलुलाइटिस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है, प्रोस्टेटाइटिस, प्रोस्टेट, जो प्रोस्टेट ग्लैंड की दिक्कत होगी, प्लेग, ठीक है, सर्टेन टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन लाइक डायरिया, ठीक है, इन्फेक्शियस डायरिया, एंड आई ड्रॉप, आई ड्रॉप के रूप में भी अवेलेबल है, मे बी यूज फॉर सुपरफिशियल बैक्टीरियल इन्फेक्शन, आंखों में कोई अगर हल्का सा इन्फेक्शन आता है तो वहां पे इस्तेमाल हो सकता है। द आई एंड द ईयर ड्रॉप मे बी यूज फॉर ओटाइटिस, ओटाइटिस मतलब जो हमारा कान का रहेगा मीडिया, व्हेन अ होल इन ईयर ड्रम इज प्रेजेंट, ठीक है ना, ओटाइटिस मतलब कान का इन्फेक्शन, और जब कोई होल वगैरह ईयर ड्रम मौजूद तो भी इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लिखो तो लिखो वरना हमारे पास मेन लाइन ही आ गई हमारे पास। केमिकल नेम और स्ट्रक्चर देख लें इसका। ओके, इसको थोड़ा सा मैं ब्लैक कर देता हूं, ठीक है। तो केमिकल नेम और स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर लें यहां पर तो ये आ जाएगा मेरे पास सेवन फ्लोरो
ठीक है, तो आओ देखते हैं मेरे पास, ये पूरा मेरे पास ना यहाँ पर क्या है, एक स्ट्रक्चर है पूरा ये, ठीक है। तो सेवन पे क्या लगा हुआ, फ्लोरो, ठीक है। टू पे क्या लगा हुआ है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसकी नेमिंग कैसे रहेगी, नेमिंग कुछ ऐसी हो जाएगी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व और थर्टीन, क्लियर है। तो देखो सेवन पे क्या हो गया, फ्लोरो हो गया, ठीक है। टू पर क्या हो गया, मिथाइल हो गया, ठीक है। सिक्स पे देखो क्या है, ये वन टू थ्री और फोर, फोर के इसमें क्या है, मिथाइल। तो सिक्स पे क्या है, फोर मिथाइल पिप्राजिन लगा हुआ है, ठीक है। और ये वन से जुड़ा हुआ है तो वन आयल हो गया। टेन पे क्या है, ऑक्सो है। फोर पे क्या है, ऑक्सा, ठीक है ना। फोर पे क्या है, ऑक्सा, ये ऑक्सो, ये कीटोन है ये, इसलिए ऑक्सो, ये ऑक्सा ग्रुप में लगा हुआ है, ऑक्सा। वन की बात करें तो वन पे क्या हो गया, एजा। और ट्राई साइक्लो, एक दो और तीन, तीन रिंग है तो ट्राइसाइक्लो। अब देखो यहां ब्रिज बना हुआ है, यहां से देखना जरा, ये जो ब्रिज बना हुआ है यहां पर, हां ओके, फाइव और थर्टीन। तो ये जो ब्रिज बना हुआ है इसमें एक तरफ चलते हैं पहले ये, ठीक है। पहले हम यहां देख लें, तो यहां पर अगर हम देखें गौर से कि ये वाला जो ब्रिज है इसमें देखते हैं कितने कार्बन है ना, ब्रिज के इस तरफ कितने, इस तरफ कितने, तो एक तरफ कितने, एक दो और तीन, ये एक तरफ आ गए। फिर एक दो तीन चार पांच छह सात, सात एटम एक तरफ है, तो सेवन और उस तरफ थ्री है, ठीक है ना। और उसके बाद हम आ जाए, अगर सेवन और थ्री हो गया देन ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं ये आ गया मेरे पास ये वाला ब्रिज। अब इस वाले ब्रिज को ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, फाइव, ये ब्रिज है यहाँ पर सेवन थ्री और एक मिनट, एक चीज कोई मिस हो गई है यहाँ पर, सेवन थ्री और वन ब्रिज, अच्छा हो तो गया। ये देखो ये वाला ब्रिज, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं इसकी नेमिंग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कहां से स्टार्ट करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन, ठीक है। तो सेवन पे क्या लगा हुआ है, फ्लोरो। टू पर क्या लगा हुआ है, टू पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल। सिक्स पे क्या लगा हुआ है, पिप्राजिन, ठीक है ना। उसके फोर पे मिथाइल लगा हुआ है, फोर मिथाइल पिप्राजिन और ये वन से जुड़ा हुआ है तो आई। टेन पे क्या है, ऑक्सो, ठीक है। फोर पर क्या है, ऑक्सा। देन आ जाते हैं फोर पे, ऑक्सा आ गया। वन, वन पे क्या है, एजा, ट्राइसाइक्लो, एक दो और तीन ट्राइसाइक्लो। अब देखो ब्रिज देखते हैं, ब्रिज कहां है, सी नाइन और ये एन, ये रहा ब्रिज, ठीक है ना। इस पूरे ब्रिज में खुद एक कार्बन है, ठीक है। और इसमें इस तरफ काउंट करें तो एक दो तीन चार पांच छह सात, तो सात उस तरफ काउंट करें तो एक दो तीन,
ये तीन, और खुद ब्रिज में यहां पर एक कार्बन मौजूद है, ये रहा ब्रिज, इस ब्रिज में खुद में एक कार्बन मौजूद है। नेक्स्ट जो ब्रिज बन रहा है मेरे पास वो ये रहा ब्रिज, इस ब्रिज में कोई कार्बन है नहीं, जीरो। लेकिन ये ब्रिज किस किस के बीच में बना है, 5 और 13 के बीच में, 5 और 13 के बीच में ये ब्रिज बना हुआ है, ब्रिज मतलब जोड़ है, ठीक है ना। ट्राई डेका मतलब 13, डेका मतलब 10 और ट्राई 13 हो गया ये ग्रुप में, ठीक है ना। और 5, 6, 8, 11 में टेट्राइन 5, अब क्योंकि यहां पर हमने इसको साइक्लो बोल दिया है तो ये बेंजीन नहीं काउंट करेंगे इसको, तो 5, ठीक है, 5 पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, 6 पे लगा हुआ है, देन 8 पे लगा हुआ है, एंड देन 11 पे लगा हुआ है, टेट्राइन डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, 11 पे कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो जाएगी इसकी क्या नेमिंग हो जाएगी, क्लियर है, ओके। आगे आते हैं, यूज की बात करें, इट इज यूज्ड टू ट्रीट निमोनिया, सेलुलाइटिस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, प्रोस्टाइटिस, ठीक है ना, प्रोस्टाइटिस बताया ना, प्रोस्टेट ग्लैंड से रिलेटेड चीजें रहेंगी, प्लेग, सर्टेन टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शियस डायरिया, डायरिया मतलब लूज मोशन वगैरह रहते हैं। तो जो तुम्हें आसान लगता है, जैसे निमोनिया सुन रखा होगा, यूटीआई सुन लिया है, प्लेग सुना हुआ होगा, डायरिया सुना हुआ है, तो जो तुम्हें लगता है कि हाँ सुने हुए हैं और आसान है उनको याद कर लो, बाकी को हटा दो, ठीक है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज वही सेम है, फॉर्मुलेशन की बात करें तो टैबलेट, सस्पेंशन, ऑइंटमेंट और आई ड्रॉप के रूप में अवेलेबल है। ब्रांड नेम की बात करें तो ऑफ्लॉक्स, ऑफ्लोमैक, जेनोसिन और फ्लॉक्सिन के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। चले आगे, नेक्स्ट आता है मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। क्या है मेरे पास ये मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, इट इज एन एंटीबायोटिक, ये भी क्या है एंटीबायोटिक, यूज टू ट्रीट नंबर ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये भी कई सारे बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को रोकने में काम आता है, सच है, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, न्यूमोनिया, कंजक्टिवाइटिस, आंखों में जो लालपन आ जाता है, एंडोकार्डियाटिस, है ना, कार्डियाटिस हार्ट से रिलेटेड हो गया कार्डिया, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस, गांठें वगैरह जो रहती है, साइनसाइटिस जो नाक में हमारे साइनस हो जाती है, उन सबको ट्रीट करने में ये काम आता है। इट इज यूज्ड बाय माउथ इंजेक्शन इनटू वी और एज ए आई ड्रॉप, तीनों रूप में अवेलेबल है ये। केमिकल नेम की बात करें, ठीक है, तो अगेन इसमें वही सारी कहानी आ जाएगी हमारे पास, अगर हम करना चाहें तो कर लेते हैं, ये रहा मेरे पास वही जो नाम पीछे पड़ा था हम लोगों ने, लगभग वैसा ही नाम हो जाएगा, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, ठीक है, 5 और 6, ठीक है, ये क्या है 7 और ये क्या है 8, तो देख लेते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या है, पायरिडीन, ठीक है, पायरिडीन 6I और 6, एक मिनट, 1, 2, 3 इस्तेमाल कर लिया गया यहाँ पर, ठीक है, इसको समझाऊंगा बाद में मैं, ठीक। और आगे आते हैं हम लोग, हाँ, ये आ गया ऑक्टाहाइड्रोपाइरोलो, 1, 2, 3, 4, ठीक है ना, जहां जहां पर क्या कहते हैं डबल बॉन्ड से हट करके सैचुरेशन आ गई है, तो ऑक्टाहाइड्रोपाइरोलो, ठीक है ना, पायरिडीन 6I, पायरिडीन 6I, 6 से जुड़ा हुआ तो आई लग गया, 1 साइक्लोप्रोपाइल, 1 पे क्या लगा हुआ है साइक्लोप्रोपाइल लगा हुआ है, 6 पे क्या लगा हुआ है फ्लोरो लगा हुआ है, 6 पे क्या लगा हुआ है फ्लोरो लगा हुआ है, 8 पे क्या लगा हुआ है मिथॉक्सी लगा हुआ है, 8 पे क्या लगा हुआ है मिथॉक्सी, 4 पे क्या लगा हुआ है ऑक्सो, ठीक है, ऑक्सोक्विनोलिन, ठीक है ना, ये मेरे पास क्या आ जाएगा ऑक्सोक्विनोलिन, और 3 पे क्या लगा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, 4 पे ऑक्सो लगा हुआ है और क्विनोलिन ग्रुप है ना मेरे पास, जो येलो ग्रुप आ जाएगा, ठीक है, ये क्या आ जाएगा इधर वाला, ये क्विनोलिन ग्रुप हो जाएगा, और 3 पे क्या हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। थोड़ी बहुत जो अभी तुम लोगों को कंफ्यूजन वगैरह है वो सब मैं बाद में एक साथ दूर कराऊंगा जब उसके आईबीसी दिखाऊंगा, क्लियर है। यूज की बात करें तो इसकी आईबीसी तो खैर अपने कोर्स में नहीं थी तो कोई डरने वाली बात नहीं है, तो इसके यूज की बात कर लूं मैं अगर, तो यूज की बात करें तो यूटीआई, न्यूमोनिया, कंजक्टिवाइटिस, एंडोकार्डियाटिस, ट्यूबरक्लोसिस और साइनसाइटिस, इन सब में इसका इस्तेमाल होता है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की बात करें तो स्टोर बिटवीन दिस एंड दिस सेम है सारा कुछ, इसमें कुछ करना ही नहीं है। फॉर्मुलेशन की बात करें टैबलेट, इंजेक्शन और आई ड्रॉप के रूप में ये मार्केट में अवेलेबल है। ब्रांड की बात करें तो मॉक्सीमैक, मॉक्सीसिप,
मॉक्सी फॉर मॉक्सी जाके नाम से इनके ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, ये लास्ट था, तो ये टॉपिक हमारे पास यूटीआई वाला खत्म हो जाता है। तो थोड़ी सी नेम की बच्चों में फिर कह रहा हूँ, थोड़ी बहुत दिक्कत तो है ही, नाम याद करने हैं। ठीक है, कुछ बच्चे परेशान हैं, कुछ बच्चे घबराए भी हुए हैं, तो बिल्कुल नहीं घबराना है। लास्ट में जाते जाते, अभी नहीं, जब लास्ट के चैप्टर खत्म हो गए और मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, जब कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा तो उसमें कुछ ऐसी बातें बता दूंगा तुम लोगों को कि उतना लिख के आ जाओगे तो डेफिनेटली पास हो जाओगे। लेकिन एटलीस्ट जैसे यूटीआई पढ़ा, अभी एंटी फंगल पढ़ा, उनकी बेसिक नॉलेज तुम्हें होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो इतना मैं तुम्हें लिखना सिखा दूंगा और सिखा भी चुका हूं, तरह से जैसे कि आईओपीएससी और नेवी को छोड़ दिया जाए, ठीक है ना। तो यूजर्स, स्टोरेज, ब्रांड नेम, ये सब बता चुका हूं मैं कैसे किए जाते हैं। इनको आम बंद करके इसमें लिख देना है, जरूरी नहीं है कि बिल्कुल जो भूल गए हो तो लिखना नहीं है, ठीक है ना। तरीका बताऊंगा मैं बाद में, बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है। लेकिन हाँ, अब यूटीआई क्या होता है, एंटी फंगल क्या है, एंटी अरिथमिया क्या है, डायबिटिक्स क्या है, कैसे काम करते हैं, थोड़ा बहुत नॉलेज तो इनके बारे में, जो मेन मेन हेडिंग है उनके बारे में नॉलेज पक्के से रखो, और उनके अंदर कौन से ड्रग्स आते हैं। कुछ डायरेक्ट ड्रग्स के नाम से आ गए कि मॉक्सिफ्लोक्सासिन, बताओ तुम्हें पता ही मॉक्सिफ्लोक्सासिन किसके अंडर में आता है, ठीक है। अब अगर तुम्हें इतना आइडिया हो कि हाँ मॉक्सिफ्लोक्सासिन हमने एंटी यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का एंटी था, ये उसको रोकता था और एंटी इन्फेक्टिव में पड़ा था, तो कुछ दो चार बातें तो यहीं से निकल आएंगे इसके बारे में। फिर बात बात की आगे क्या लिखना है वो मैं तुम्हें इस तरह से समझा दूंगा बाद में कि लिखना बहुत ही ज्यादा आसान होगा। तो एटलीस्ट जितनी भी हेडिंग्स हैं उनको अच्छे से दिमाग में सेट करो कि इस हेडिंग के अंदर कौन सी बीमारी होती है और हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे या इसमें क्या पढ़ा जाएगा, किस तरह की बीमारी होती है और कैसे इनको रोका जाता है। थोड़ी बहुत नॉलेज गेन करो, पालक की बात बहुत अच्छी तरह से समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है बातें? क्लियर? तो क्या करना है? रिवाइज करना है, रिवाइज करना है, रिवाइज करना है। ऑल द बेस्ट।